नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, यहाँ पे डीएलएड को लेकर बड़ा जो अपडेट है कि डीएलएड में जो भी शिक्षक यहाँ पे एडमिशन लिए थे तो काफी सारे शिक्षक का यहाँ पे जांच जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। और यहाँ पे मॉडल सेंटर में पीसीपी क्लास को लेकर भी यहाँ पे अपडेट आए हुए हैं। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे क्या अपडेट निकल के आया हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो है पत्रिका.com का रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है कोरबा छत्तीसगढ़ से है। इसमें अगर देखें तो हेडलाइन जो दिया गया है, गैर शिक्षकों को भी दी जा रही है डीएलएड की ट्रेनिंग, शिक्षा विभाग को तसद्दीक करने की फुर्सत नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है एक फोटो है जिसमें कि लिखा गया है शिक्षा का अधिकार। और फिर नीचे जो डिटेल में लिखा गया है, जिले के 26 केंद्रों में 2000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये जो है कोरबा जिला का ये रिपोर्ट है कि यहाँ पे टोटल देखें तो 26 स्टडी सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे कि 2000 से भी अधिक शिक्षक को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और फिर नीचे देखें तो डिटेल में जो लिखा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTI के तहत अब प्राथमिक व मध्यमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। जैसा कि दोस्तों मैंने काफ़ी सारे वीडियो आपको बताया था कि RTI एक्ट के तहत जो जो भी शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसको यहाँ पे प्रशिक्षित होना काफ़ी अनिवार्य है। और यहाँ पे देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ये बोला गया है, जो भी शिक्षक यहाँ पे प्रशिक्षित हैं यानी कि जो भी शिक्षक डीएलएड किए हुए हैं वही शिक्षक यहाँ पे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और फिर आगे देखें तो लिखा गया है, इसके तहत NIOS के द्वारा जिले के 26 केंद्रों में 2000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिन निजी स्कूलों में कल 2 शिक्षक थे वहां NIOS का प्रशिक्षण शुरू होते ही कार्यरत शिक्षकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। तो यहां पे ये चीज़ देखें तो काफ़ी सारे जगह जो है ये चीज़ सुनने को मिल रहा है कि जहां पे कि पहले जो भी प्राइवेट स्कूल था वहां पे 2 से 3 शिक्षक थे, लेकिन अब देखें तो वहां पे शिक्षकों की संख्या बढ़ गई है। और काफ़ी सारे जगह से ये भी सुनने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे शिक्षक वैसे भी हैं जो कि यहाँ पे डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं, वो जो है कहीं स्कूल में नहीं पढ़ा रहे लेकिन फिर भी जो है उन्होंने यहाँ पे डीएलएड में एडमिशन ले लिया है। और फिर यहाँ पे देखें तो आगे जो लिखा गया है, विभाग भी इन्हें बेरोक टोक प्रशिक्षण दे रहा है। जानकारी सामने आने के बाद अब जाकर डायट के स्थानीय स्तर पर समन्वय की जिम्मेदारी देने संभाल रहे प्राचार्यों की जांच के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जांच का यहाँ पे निर्देश दिया गया कि जो भी यहाँ पे शिक्षक डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्टडी सेंटर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन सभी शिक्षकों का यहाँ पे जांच होगा। और जैसा कि मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो में पहले ही बोला था कि काफ़ी सारे जगह जो है ये जाँच जो है शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे स्टेट में देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह जाँच चल रहा है ताकि वहाँ पर पता चल सके कौन सारे शिक्षक जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं और कौन शिक्षक जो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। और जो भी शिक्षक यहाँ पे स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उनको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो जो है जन्मिन शिक्षक है तो उनको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगा। फिर नीचे देखें तो नीचे देखें यहाँ फिर लिखा गया है, सभी राज्यों में संचालित निजी और शासकीय स्कूलों में उपस्थित शिक्षकों के लिए डीएलएड कोर्स को अनिवार्य कर दिया गया है। इस कोर्स को ना करने वाले शिक्षक आगे अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लियर रूप से बोला जा रहा है कि जो भी शिक्षक ये कोर्स नहीं करते हैं और वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो आगे जो अपनी सेवा यहाँ पे स्कूल में नहीं दे पाएंगे। आगे लिखा गया है, रियायत दर पर डीएलएड का कोर्स स्कूल के शिक्षकों के लिए कराया जा रहा है। इसमें कुछ निजी स्कूलों से जुड़े शिक्षकों ने स्कूल के शिक्षक नहीं होने के बाद भी अपने रिश्ते नातेदारों का पंजीयन करा दिया है। तो यहाँ पे देखें तो इस तरह का बात जो है काफ़ी सारे जगह हुआ है, काफ़ी सारे स्कूल में जो है इस तरह का यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पे जो भी शिक्षक यहाँ पे डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, लेकिन काफ़ी सारे शिक्षक वैसे भी हैं जो कि डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं लेकिन वो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वैसे शिक्षकों का यहाँ पे जाँच होगा। और यहाँ पे देखिए ये भी बोला जा रहा है कि कुछ निजी स्कूल से जुड़े लोगों ने स्कूल शिक्षक नहीं होने के बाद भी अपने रिश्ते नातेदारों का पंजीयन करा दिया है। तो इस तरह का बातें जो काफ़ी सारे जगह से सुनने के लिए आ रहा है, तो इन सारे शिक्षकों का यहाँ पे जांच होगा जो बतौर स्कूल शिक्षक की तरह रियायत दर पर कोर्स कर रहे हैं, जिसके कारण जिले में इस कोर्स को करने वाले शिक्षकों की भारी संख्या है। NIOS द्वारा कराए जा रहे प्रशिक्षण में ज़्यादातर निजी स्कूल के परीक्षार्थी हैं। तो यहाँ पे देखें तो NIOS में जो भी शिक्षक यहाँ पे एडमिशन लिए हैं तो ज़्यादा शिक्षक जो है वो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं। और फिर नीचे यहाँ पे देखें तो लिखा गया है, आपस नहीं है समन्वयक इसलिए नहीं होती जांच। जिले के निजी स्कूल में कितने शिक्षक कार्यरत हैं इसका आंकड़ा शिक्षा विभाग के पास मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जिले के जितने भी निजी स्कूल हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो सभी का आंकड़ा जो है वहाँ पे कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो हर आंकड़ा जो यहाँ पे शिक्षा विभाग के पास होता है। हर साल शालाओं के नवीनीकरण का काम सत्र के शुरुआत में किया जाता है। इस आवेदन में निजी स्कूल शाला में कार्यरत शिक्षकों की संख्या भी दर्ज होती है, जबकि NIOS के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अक्टूबर सितंबर में किया गया था। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे NIOS में रजिस्ट्रेशन जो वो अक्टूबर और सितंबर में यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे देखिए ये भी बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे शिक्षा विभाग है उनके पास यहाँ पे पूरा आंकड़ा होता है, सत्र के शुरुआत में जो उनके पास पूरा आंकड़ा चला जाता है कि कौन से प्राइवेट स्कूल में कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं या फिर कौन से गवर्नमेंट स्कूल में कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो सभी आंकड़ा यहाँ पे शिक्षा विभाग के पास होता है। तो उसके तहत जो है यहाँ पे सभी शिक्षकों का यहाँ पे जाँच जो है शुरू होगा। और फिर आगे लिखा है, शिक्षा विभाग से आंकड़ों से डायट द्वारा
तसग्गित की जा सकती है, लेकिन आपसी समन्वयक व विभागीय उदासीनता के कारण यह काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो ये काम यहाँ पे नहीं हुआ था कि जो भी उनका यहाँ पे जांच प्रक्रिया था वो यहाँ पे शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनका जांच प्रक्रिया जो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और फिर आगे देखें तो नीचे देखें यहाँ लिखा गया है, डायट प्राचार्य हैं नोडल अधिकारी, एनआईओएस के तहत दिए जा रहे प्रशिक्षण के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी डायट के प्राचार्य को बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी डायट के प्राचार्य थे उन्हीं को यहाँ पे नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि स्थानीय स्तर पर निजी स्कूलों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र बनाया गया है, और जो भी स्थानीय स्तर पर यहाँ पे जो भी स्टडी सेंटर बनाए गए हैं वहाँ के प्राचार्य को केंद्र समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी स्कूल के प्राचार्य थे उन सबों को यहाँ पे स्टडी सेंटर का समन्वयक बनाया गया है। स्कूल के ही एक सीनियर शिक्षक को सीनियर रिसोर्स पर्सन भी बनाया गया है। स्थानीय स्तर पर भी रवैया ढीला होने के कारण एडमिशन आसानी से मिल गया है, क्योंकि यह प्रशिक्षण कार्यरत शिक्षकों के लिए है, इसलिए संपर्क कक्षाएं केवल छुट्टियों के दिन संचालित की जाती है, लेकिन ज़्यादातर केंद्रों के प्रचार छुट्टी वाले स्कूल जाते ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे नोडल अधिकारी हैं वो यहाँ पे डायट के प्रचार हैं, और जो भी स्कूल के प्रिंसिपल थे उनको यहाँ पे केंद्र का समन्वयक बनाया गया है, और जो भी यहाँ पे सीनियर शिक्षक थे उनको यहाँ पे रिसोर्स पर्सन बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे प्रचार हैं वो जो है छुट्टी वाले दिन स्कूल जाते ही नहीं है। तो यहाँ जैसा कि आप लोगों के भी यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि काफ़ी सारे स्टडी सेंटर पे जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं कराया था, जो कि यहाँ पे एनआईएस के द्वारा एक शेड्यूल निकाला गया कि किस डेट में आपको यहाँ पे क्या करना है, किस डेट में क्या पढ़ाया जाएगा, किस टाइम पे क्या पढ़ाया जाएगा, तो वो सब चीज़ें जो स्टडी सेंटर पे नहीं कराया जा रहा था। ऐसा जो आप लोगों के यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, और यहाँ पे भी देखिए इस तरह का यहाँ पे बातें यहाँ पे बोला जा रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि आपको स्टडी सेंटर पे जो सही तरीके से वहाँ पे बताया गया, सही तरीके से वहाँ पढ़ाया गया या फिर नहीं पढ़ाया गया। और अगला अपडेट देखें तो अगला अपडेट जो है यहाँ पे मॉडल सेंटर पे पीसीपी क्लास को लेके हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डीएलएड की वेबसाइट खुली हुई है, और यहाँ पे जो कि एक सेक्शन बनाया गया स्टडी सेंटर कॉर्नर का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपके पास देखिए यहाँ पे इस टाइप का विंडो खुला हुआ आएगा, और यहाँ पे देखिए एक अपडेट यहाँ पे देखिए आए हुए हैं मॉडल सेंटर को लेके। यहाँ पे देखें तो जम्मू एंड कश्मीर से ये अपडेट है, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास इस टाइप का यहाँ पे पीडीएफ जो है डाउनलोड होकर आ जाएगा। और यहाँ पे देखें सबसे ऊपर जो लिखा गया पीसीपी यानी कि पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम सेशन शेड्यूल फर्स्ट ईयर फॉर ऑनलाइन डीएलएड प्रोग्राम एट एनआईओएस स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के। और यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ के पूरा डेट वाइज यहाँ दिया गया है कि कब से आपका यहाँ पे जो भी आपका मॉडल सेंटर वहाँ पे कब से आपका क्लास स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखें तो संडे के दिन यानी कि 8 अप्रैल से जो है आपका यहाँ पे क्लास होगा, और यहाँ पे जो भी क्लास का जो टाइमिंग जो रखा गया है 10:30 से लेकर 4:30 बजे तक आपका यहाँ पे क्लास होगा। तो यहाँ पे आपका क्लास जो है 2 सेशन में होगा, मॉर्निंग सेशन आफ्टरनून सेशन में। तो मॉर्निंग सेशन का जो यहाँ पे टाइम जो रखा गया है 10:30 से लेकर 1 बजे तक, और आफ्टरनून सेशन का जो टाइम रखा गया है 2 से लेकर 4:30 बजे तक यहाँ पे आपका क्लास होगा। और यहाँ पे देखें तो टोटल जो है 15 पीसीपी क्लास यहाँ पे लगेंगे मॉडल सेंटर पे, और यहाँ पे लास्ट क्लास देखें तो 22 अप्रैल तक जो है यहाँ पे लास्ट क्लास होगा। तो यहाँ पे देख लिए, इसमें पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया कि किस दिन यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि आपको जो है किस डेट पे आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आप इसे पहले डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख लें कि आपको जो है किस दिन आपको यहाँ पे स्टडी सेंटर पे क्या पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो मॉडल सेंटर पे जो भी यहाँ पे पीसीपी क्लास लग रहा है वो पीसीपी क्लास जो है उन सभी शिक्षकों के लिए है जो कि सेकेंड राउंड यानी कि दूसरे राउंड में जो है उन्होंने प्रिंसिपल वेरिफिकेशन करवाया था, या फिर जिन शिक्षक का यहाँ पे 75% से अटेंडेंस कम है तो वो जाकर यहाँ पे क्लास लगा सकते हैं। ये दोस्तों आखिरी मौका है, जिन शिक्षक का यहाँ पे अटेंडेंस कम है, 75% अटेंडेंस कम है, तो उनके पास ये आखिरी मौका है कि वो अपने अटेंडेंस को यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। ये अपडेट जो ये जम्मू एंड कश्मीर से अपडेट था। और दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए जो भी मॉडल सेंटर पे जो भी पीसीपी क्लास का जो शेड्यूल्ड है यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे स्टेट के लिए यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अपने पीसीपी शेड्यूल को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके स्टेट में जो है कब से यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो भी आपके मॉडल सेंटर है वहाँ पे जो है कब से क्लास स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें तो जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, असम, मणिपुर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तो इतने सारे स्टेट से यहाँ पे अपडेट आए हुए हैं पीसीपी क्लास को लेके। जो भी पीसीपी क्लास यहाँ पे मॉडल सेंटर पे चल रहा है तो उनको लेके यहाँ पे अपडेट आए हुए हैं। अगर आप इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें, जो भी आपका यहाँ पे पीसीपी शेड्यूल आया हुआ है उनको आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद आप देख लें कि आपके स्टेट में जो कब से क्लास स्टार्ट हो रहा है, और जो भी यहाँ पे डेट दिया गया है उस डेट पे जाके जो है मॉडल सेंटर पे अपने क्लास को लगाएं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका जो भी एग्जाम है डीएलएड का जो भी फाइनल एग्जाम है वो जो है 27, 28 और 29 अप्रैल को होगा, लेकिन आप लोगों के यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों का यहाँ पे कहना था कि एग्जाम जो है मई में होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे नोटिस जो एनआईएस के द्वारा जो भी ऑफिशियल नोटिस निकाला गया है उसमें यहाँ पे क्लियर रूप से लिखा गया डीएलएड एग्जामिनेशन टेंटिवली फिक्स्ड ऑन 27, 28 and 29 अप्रैल 2018। तो यहाँ पे देखिए क्लियर रूप से बोला जा रहा है कि इस डेट को यहाँ पे फिक्स किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आगे अगर यहाँ पे कोई बदलाव होता है डेट में तो आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल देखें तो यहाँ पे जो है डेट में बदलाव को लेकर यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। यहाँ पे जो कि एनआईएस के द्वारा जो नोटिस निकाला गया उसमें क्लियर रूप से बोला गया कि आपका 27, 28 और 29 अप्रैल को आपका यहाँ पे एग्जाम होगा।
तो ये यहाँ पे बड़ा अपडेट था डीएलएड को लेके। और दोस्तों यहाँ पे आगे यहाँ पे जो भी अपडेट आता है एनआईसी डीएलएड को लेके या फिर ब्रिज कोर्स को लेके आपको इसी तरह से वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के साथ बने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।